नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे एक बार कमेंट करें कि क्या हम मॉडिबुल विजुअल क्लियर हैं तो आज पार्ट नंबर टू की चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो वन पार्ट हम लोगों ने कल कवर किया था लगभग उसमें चार पांच टॉपिक किए थे जो रिमेनिंग चार पांच टॉपिक बचे हैं आज तुम्हारे आंगन में उनको बिखेर देंगे और आराम से उनको सुगंधित करके अपने दिमाग में ले जाना ये आपका कर्म है तो एक बार प्यार से कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ओडेविल विजिबल क्लियर हैं तो कल हमने क्लॉक को पढ़ा डाइस को पढ़ा है ना इतने टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास करा और मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी करने की भूमिका में होंगे और जैसा कि मैं एक थोड़ा सा हिंट्स आपको दे दूँ मेरा भी एक कल मन है कि कल क्या है थर्सडे है परसों छब्बीस जनवरी क्लास ऑफ रहेंगी तो कल जो बच्चे आरो का एग्जाम दे रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर हम लोग आरो का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि आरो का भी एग्जाम सर पे है इसलिए हमारी कोशिश ये है कि ज्यादातर उन लोगों के साथ में रहकर उनकी अंतिम पायदान की तैयारी को बेहतर किया जाए तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो आर का एग्जाम दे रहे हैं एक बार क्लैपिंग कर दें यस बोल दें और कल हम ये सोच रहे हैं कि एक मैराथन टाइप का या ऐसा कह दें कि बिल्कुल एग्जाम मॉडल पेपर एग्जाम मॉडल पेपर उसमें हिंदी भी एक साठ क्वेश्चनों की और 140 फोर्टी क्वेश्चन कहा जाए किसका जीएस का भी यानी 200 क्वेश्चन हम अगर एक साथ कर लें ताकत रखते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कल हम ऐसा कर लेते हैं कि एक 200 सौ क्वेश्चनों का मॉडल पेपर हम लोग करते हैं देखते हैं कि, कि कितने किसके आते हैं विद एक्सप्लेनेशन सहित करते हैं और हिंदी के पार्टों को समझने का प्रयास करते हैं फिर आपको लग जाएगा कि आप इस दो में से लगभग लेके बैठे हो वन थर्टी वन थर्टी फाइव फार्ट प्लस या नहीं लेके बैठे हो भी कमी कहां ये हम देखने का प्रयास कर सकते हैं राइट चलिए तो कल कोशिश जैसा भी हो बाद में कमेंट कर देना चलते हैं आइएगा आज की इस यात्रा को मंगल में बनाते हैं पहले क्वेश्चन ना करके पहले हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं और टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने इंतजार कर रहे हैं आपका कि किस तरीके से रीजनिंग के लोग जो है यहां पर हम लोग कह सकते हैं तो अभी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने क्लोक को निपटाया था फिगर काउंटिंग को किया था एक डाटा लेके हम लोग चल रहे थे रैंकिंग अरेंजमेंट को निपटाया था इसके अलावा भी कोई टॉपिक हुआ है तो बताएं कमेंट करके आई थिंक डाइस और हुआ होगा है ना तो डाइस को भी किया था इसके अलावा कुछ और किया मैंने बताएं कमेंट करके नो इसके अलावा मैंने कुछ किया ये चार टॉपिक मैंने किए थे आज हम कई सारे टॉपिक को लेके भूमिका में हैं मुझे उम्मीद है कि आप सब प्यार मोहब्बत से करेंगे तो इसके साथ एक टॉपिक कैलेंडर है इसको ले लेते हैं बाकी जो भी टॉपिक आपके अनुरूप चीजें चलेंगी हम उनको लेते हुए चलेंगे एक बार अनुमति चाहूंगा कि अब आप बोल दीजिएगा सर हाँ बिल्कुल आइएगा वन टू वन बन्त लेके चलते हैं कैलेंडर को सिर्फ मुझे लगता है कि दस मिनट से ऊपर मुझे नहीं देना है कैसे प्रश्न पूछता है उसके के क्वेश्चन करा के कहानी को आपके रिवीजन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनका क्लास हो जाएगा कैलेंडर कैलेंडर के अंतर्गत जब भी वो प्रश्न पूछता है वो तीन चार प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है चारों प्रकार के प्रश्न अगर करने का तरीका तुमको आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी प्रश्नों को समझने में जैसे आपसे या तो वो ओड डे पूछता है यानी विषम दिन पूछता है या फिर आपसे कोई डे दे देगा दिन पूछेगा कि इस तारीख को कौन सा दिन था या डे दे देने के बाद कोई अन्य डे पूछेगा या इसके अलावा फोर टाइप जो बनेगा उसे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रश्न वो लगातार पूछने की भूमिका में रहता है जैसे कि मिसलेनियस एरर वाले प्रश्न होते हैं या इसके अलावा कोई भी प्रश्न तो यानी कह सकते हैं लगभग चार से पांच प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं ये चीजें हमारे सामने हो जानी चाहिए अगर कैलेंडर के बिहाब को अगर देखें तो ये चार प्रकार के प्रश्न होते हैं हम पहले जैसा कि इसके जो अवयव है कैलेंडर के जो एलिमेंट हैं तत्व हैं इसके बारे में आप नॉर्मल वे में ज्ञात होगा कि एक डे भी होता है जिसमें चौबीस घंटे होते हैं एक ईयर भी होता है ईयर दो प्रकार के होते हैं एक में तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं एक में तीन सौ छियासठ दिन होते हैं तो दोनों चीजें यहां से निकल के आपके सामने तो मुझे लगता है कि यहाँ ईयर दो प्रकार के होते हैं और बाकी जो मंथ है उस मंथ को चार भागों में रखा है एक अट्ठाईस महीने का होता अट्ठाईस दिन का होता है एक उन्तीस दिन का एक तीस दिन का और इकतीस दिन का ये बेसिक बेसिक बातें हैं इन बेसिक बातों से करना क्या आइए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाते हैं जिससे कि कहानी वन टू वन करके सब यहाँ से आ जाएगी लवासना बैच की क्लासेस एक फरवरी से स्टार्ट करने का प्लान है अब आप जितने भी कमेंटबाजी करना है उनको बंद करके अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा नहीं तो आराम से सुनते चले जाइएगा और यदि तुम्हें यहाँ नहीं सुन सकते हो तो फिर आपकी मर्जी है आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मैं आपको रोक नहीं सकता बस अनुशासन में बांधने का काम कर सकता हूँ तो ये चारों प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और टॉपिक को विद इन दस पंद्रह मिनट में समझ लेंगे तो यानी टाइप नंबर वन जब भी आपसे विषम दिन पूछा जाए जब ओड डे पूछा जाए उसके लिए सिर्फ आधे पेज के नोट्स बना लेना विषम दिन का मतलब होता है जो सप्ताह में कन्वर्ट नहीं हो पाया सप्ताह मतलब जो हमारे पास सात दिन है संडे मंडे ट्यूजडे बैंडस्डे एग्जाम्पल बेस पे अगर मैंने कहा दस दिन आपको दे रखे हैं कि दस दिन में कितने उड्डे हैं तो आपको इसको सात से भाग करना है रिमाइंडर कितना आएगा आप बोलेंगे सात से भाग करने पर अगर दस को भाग कर रहे हैं सेवन मंजर सेवन यहाँ पे कितना तीन है तो तीन क्या आ जाएगा यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा तो तीन ही जो रिमाइंडर बचा है जिंदगी का वही क्या है शेष है इसी को विषम दिन का हम लोग नाम दे सकते हैं अच्छा इस बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरी बात को बड़े प्यार से समझ रहे होंगे अगर हम बात करेंगे ईयर में तो अगर ये बात करेंगे हम लोग मंथ में अगर मंथ में जनवरी है तो जनवरी तो 31 दिन का होता है अगर सात से भाग करेंगे तो कितना जाएगा शेष तो जनवरी के महीने में तीन विषम दिन होते हैं अच्छा ठीक है आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं अगर आप फरवरी को देखेंगे तो फरवरी में 28 दिन का भी होता है 29 का भी होता है जो अट्ठाईस दिन का होगा तो वहाँ रिमाइंडर कितना जीरो तो यानी वहाँ कोई विषम दिन नहीं होता है अगर यहाँ सात से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा एक तो यानी यहाँ एक विषम दिन होता है इसी प्रकार से अगर आप बाकी अन्य दिन में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी सात से भाग करने पर रिमाइंडर दो आ जाएगा तो वहाँ दो विषम दिन होते हैं ये मंथ में सारी चीज़ निकल के जाएंगे लेकिन जैसे ही आप ईयर की बात करेंगे तो ईयर दो होते हैं एक ईयर हमारे पास लीप ईयर होता है लीप का मतलब जहाँ तीन दिन का होता है एक हमारे पास क्या होता है नॉर्मल ईयर होता है जैसा कि इसके बारे में आप सब जानते हैं ये भी अगर मैं बताऊंगा तो आप पढ़ने लायक स्टूडेंट है ही नहीं इस जिंदगी में तीन सौ पैंसठ कितना सात से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं बावन सप्ताह एक दिन बचेगा तो यानी एक जो एक्स्ट्रा बच रहा है नॉर्मल ईयर में यही क्या है ओड डे है ऐसे ही यहाँ सात से भाग करेंगे तो फिफ्टी टू वीक और टू डे हो जाएगा तो टू जो एक्स्ट्रा बच रहा है यही क्या है लीप ईयर है ओड डे है तो मेरी बात से आप यहाँ तक सहमत होंगे यदि ईयर की बात करेंगे तो यहां आराम से वन टू वन करके समझ रहे होंगे कि अगर ईयर में हम लोग देखें तो अगर लीप ईयर है तो ओड डे कितने होते हैं टू ओड डे होते हैं अगर वही नॉर्मल ईयर है बेटा तो यहाँ आप कह सकते हैं वन ओड डे होता है अगर आप मंथ की बात करेंगे तो यहाँ मंथ में आप कह सकते हैं कि जैन में फैम में इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं लेकिन सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जैसे पूछे जाएंगे फिल्म बनाने के लिए यहां तक जानना जरूरी था अगर हम देखें तो आपसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है कि पांच वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं फाइव वर्ष में तो पांच मतलब स्टार्टिंग से पूछ रहा है एक दो तीन चार पांच जैसा कि इसमें आप जानते हैं जो संख्या चार से डिविजल है उसे हम लीप ईयर कहते हैं इसके बारे में आप जान चुके हैं जो संख्या सौ से डिविजल है उसे लीप ईयर नहीं कहते हैं समझेंगे लेकिन जो संख्या चार सौ से डिविजल है उसे लीप ईयर कहते हैं यानी हंड्रेड अपने आप में लीप ईयर नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं दो सौ अपने आप में लीव ईयर नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं तीन सौ नहीं है लेकिन इसमें चार सौ लीवियर है क्योंकि वो चार से भाग हो रहा है इस बात से अगर आप सहमत हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो नॉर्मल ईयर है तो यानी एक विषम दिन, दिन होगा ये भी नॉर्मल ईयर है यहाँ एक विषम दिन होगा यहाँ भी नॉर्मल ईयर एक विषम होगा लेकिन ये क्या अपने आप में लीव ईयर है यहाँ दो विषम दिन होंगे और ये पाँच भी अपने आप नॉर्मल है तो कुल मिला के तीन दो तो पाँच और छः तो ओड्डे कितना जाएगा छ यानी मेरी बात से यहाँ तक अगर आप सहमत होंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर बिल्कुल डे समझ में हमें बुरा आ रहा है इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मैंने कहा कि सर दस वर्ष में कितने डे होते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं सर इस दस वर्ष में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यानी इसमें ये चार और ये आठ अपने आप में लीपियर है तो यानी इसमें दो दो विषम दिन होते हैं बाकी अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक यहाँ भी यहाँ पर एक 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 इसको काउंटिंग करेंगे तीन और तीन छः दो आठ आठ दो दस दस दो कितना बारह बारह को किससे भाग करना है सात से रिमाइंडर जो आएगा सात से भाग करने पर वही क्या होगा और डे निकल के आ जाएगा लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी से और अगर समझने की बात करेंगे तो यू कैन से दस को डायरेक्टली करने के लिए चार से भाग करने क्योंकि हमें भी लीप ईयर निकालने हैं तो लीप ईयर निकालने के लिए चार धोनी आठ दो लीप ईयर जैसा कि यहाँ दो ये दिखाई दे रहे होंगे अब आठ में से अगर दो ईयर हैं तो आठ आ, क्या बचेंगे नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर में दो अड्डे होते हैं तो यानी चार ओड्डे एक नॉर्मल ईयर में बनडे ओड्डे तो आठ इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारह और बारह को अगर पाँच से भाग सात से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना पाँच आप इस तरीके से सेम से निकाल रहे होंगे आइएगा मैं इस कहानी को थोड़ा सा और लेके चलता हूँ जहाँ पे आपकी पिक्चर बन जाएगी मैंने लिख दिया फिफ्टी टू ईयर में या लिख दूँ फिफ्टी वन वर्ष में कितने ओड्डे होते हैं हाउ डे इन ईयर तो पहले क्या करेंगे इक्यावन के लीप ईयर निकालेंगे कितने लीप ईयर हैं फिर यहाँ नॉर्मल ईयर निकालेंगे मुझे ऐसा लगता है कि फील हो रहा होगा चार से भाग करने पर लीप ईयर आ जाएंगे चार से भाग करने पर बारह चौक अड़तालीस यानी बारह आ चुका है अगर ये बारह हमारे पास लीप ईयर है तो बाकी इक्यावन में से बारह घटाएंगे तो मुझे लगता है यहां पर उनतालीस जो बचेंगे क्या बचेंगे नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर में दो ओड्डे होते हैं तो कितना बोलेंगे सर यहाँ से चौबीस इन टू वन करेंगे तो कितना बोलेंगे 49. इन दोनों को आपस में जोड़ने पर आप जो ज्ञात कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि यहां पर निकल के जाएगा गया तिरसठ तिरसठ को सात से भाग करेंगे नम कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा यानी इसमें कोई लिपियर नहीं होते हैं इस बात को अगर समझे हैं तो मेरी बात से अगर सहमत हैं तो मुझे लगता है कि आपकी कहानी पूरी सेटल हो चुकी होगी अब इसकी पिक्चर हम लोग बनाते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हंड्रेड की पूछ लेते हैं अगर हंड्रेड हंड्रेड ईयर में लीप ईयर पूछ ओड डे पूछूंगा तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हंड्रेड है अपने आप में नाइन्टी नाइन हंड्रेड ऐसे लिख दूँ या नाइन्टी एट लिख दूँ यहाँ बंद से लेकर तो ये लीप ईयर नहीं है इसका मतलब आप लीप ईयर यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो यानी सौ में अगर हम लोग देखेंगे चार से भाग करने पर पच्चीस आ रहा होगा लेकिन जो पच्चीस माँ है वो लीप ईयर नहीं है बताऊँगा क्यों नहीं है तो यानी आप ही कह सकते हैं चौबीस इसमें ईयर है और यहाँ पर बाकी जो बचेंगे छिहत्तर सौ में से ये क्या है नॉर्मल ईयर है अगर इस बात से आप सहमत है तो एक बार बता दीजिएगा कि एक लीपर में दो अड्डे होते हैं तो कितना हो जाएगा अड़तालीस एक नॉर्मल ईयर में वन उड्डे होता तो कितना बोलेंगे छिहत्तर इन दोनों को आपस में ऐड करने पर कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर को सात से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा पाँच यानी मैं रट भी सकता हूँ कि सौ वर्ष में पाँच अड्डे होते हैं अगर मेरी इस बात से आप सहमत हो चुके हैं तो स्पीड थोड़ी सी ठीक बढ़ा लेते हैं जिससे कि आप पूरी चीज़ों को समझ पाएं 100 में हमारे पाँच ओड्डे होते हैं जैसे ही दो सो में जाएंगे पांच का दुगना दस हो जाएगा सात से कभी ज्यादा ओड्डे होते नहीं हैं, सात से भाग करने पर सात करना सात तीन निकल के आ जाएगा अगर तीन सो की बात करेंगे तो पाँच या पंद्रह पंद्रह को सात से भाग करने पर चौदह रिमाइंडर एक आ जाएगा जैसे ही हम चार सौ पे जाएंगे तो पाँच कितना हो जाएगा बीस लेकिन 400 अपने आप में जो हम छोड़ रहे थे वो लीप ईयर है तो यानी एक उसमें जब ऐड कर लेंगे बीस में इक्कीस और इक्कीस को सात से भाग करने पर कितना आ जाएगा जीरो तो यानी आप अपने सिक्वेंस पर आ चुके हो सौ वर्ष में पाँच ओड डे दो सौ में तीन तीन सौ में एक चार सौ में जीरो ऐसे अगर हमसे पाँच सौ पूछ रहा है तो पाँच सौ क्या होता है चार सौ और सौ होता है यानी पाँच सौ चार सौ में जीरो सौ में पाँच तो कितना हो जाएगा पाँच ओड डे अगर वो छः सौ पूछेगा तो आप ये कह सकते हैं चार सौ और दो सौ छः सौ होता है चार सौ में जीरो और ये तीन सौ तो तीन अगर ये सात में पूछेगा तो आप बोलेंगे चार सौ तीन सौ यानी एक अगर वो आठ में पूछेगा तो फिर वो जीरो यानी आप ये कह सकते हैं कि चार के मल्टीपल में जो भी नंबर बैठा होगा वो अपना ओड्डे लेके बैठा हुआ है मुझे लगता है कि पूरी फिल्म बन चुकी होगी ऐसे ही अगर हम तुमसे पूछेंगे सर 1200 में कितने ओड्डे होंगे तो बोलेंगे जीरो 1600 में कितने होंगे तो बोलेंगे सर जीरो 2000 में पूछेंगे तो कितना बोलेंगे सर जीरो 2400 में पूछेंगे तो जीरो क्योंकि वो 400 के मल्टीपल बैठे हुए हैं लेकिन अगर हमसे पूछा जाए पंद्रह तो पंद्रह सौ क्या होता है बारह सौ में जीरो होता ही है इसका मतलब ये चीज़ें रोटेट होती रहेंगी पाँच तीन पाँच तीन एक जीरो पाँच तीन एक जीरो पाँच तीन एक जीरो तो ऐसे ही अगर बारह सौ में पंद्रह सौ में अगर बारह सौ में जीरो हो चुका है तीन सौ बचेगा तीन सौ में क्या होता है एक होता है तो यानी यहाँ पे एक निकल के यहाँ से आ जाएगा अगर इस बात से आप सहमत हो एक बार क्लैपिंग करके को शेयर कर दीजिएगा रीजनिंग पढ़ना नहीं चाहते हम कुछ और पढ़ा देंगे लेकिन बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो ये पॉइंट आपके समझा अगर इस पॉइंट से आप सहमत हैं तो इस कहानी को थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं और बहुत मजा यहाँ से आ जाएगा मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सारे निकल के चले जाएंगे जैसे मैंने लिखा दो हजार पच्चीस लिखा है इसमें ओड्डे कितना है जब भी ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो लास्ट के दो अंकों को अलग अलग लिख दीजिएगा प्लस बाकी कितना बचेगा न दो हज़ार बचेगा इसका मतलब दो हजार में ओड्डे जीरो होते हैं एक आंसर हमने निकाल लिया दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है पच्चीस पच्चीस में हमें दो चीज़ देखनी है एक तो लीप ईयर

दो सौ में कितना पांच तीन एक जीरो तो यानी कितना हो जाएगा तीन तो इसका तीन है इसका जीरो है यानी अभी तक हम यहाँ तक कर पाए आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पंद्रह है पंद्रह को चार से भाग करने पर चार ता बारह तीन लीप ईयर हो जाएगा और यहाँ पर बारह क्या है नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर में दो होते हैं तो यानी एक नॉर्मल ईयर में एक होता है यानी बारह बारह और छ कितना होता है अठारह अठारह और तीन कितना होता है इक्कीस इक्कीस को सात से भाग करेंगे सात धीरे इक्कीस जीरो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है कितना आ चुका है जीरो आपका आंसर मुझे लगता है कि यहाँ से ये कहानी आपके मनमुग्ध कर चुकी होगी टाइप नंबर वन जो विषम दिन निकालते थे वो खत्म हो चुका है टाइप नंबर टू चल रहे हैं जहां पे दिन निकालना आपसे पूछा जाए तेरे घर के सामने पता नहीं गाना कल से पता नहीं बार बार आ रहा निकल के चले यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं अगर मजा आ गया तो एक बार क्लैपिंग करने का तो बनता है ना था अगर दिल खुश हो गया तो एक बार क्लैपिंग करने का तो बनता है ना ऑफिशियल अर्नब सैनी पहले लवासना की स्पेलिंग से लिखो मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा कब स्टार्ट होगा लवासना तो चलिए ये टाइप नंबर पहला हो गया रेडी अब आपसे डे पूछेगा तो डे कैसे निकालेंगे इसको भी देखने का प्रयास करें लो इसको भी खल्लास कर देते हैं विदिन दस सेकेंड में दस मिनट में टॉपिक खत्म होने वाला है डे का मतलब आपसे कोई दिनांक दे देगा बोल देगा पचानवे को कौन सा दिन था वाज द डे ऑफ फिफ्टीन नवंबर फाइव यानी आप पंद्रह नवंबर उन्नीस सौ पिचानवे कौन सा दिन था ऐसा करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इसके लिए मैं थोड़ी सी फिल्म बना रहा हूँ बस फिल्म को तुम देख लेना अगर डे की बात करेगा तो डे वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन या जीरो यहाँ पे संडे ये मंडे ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे बस ये रट लेना रटने की इसकी रिक्वायरमेंट तो है भी नहीं वैसे बता रहा हूं कि अगर आप लोग इतना भी नहीं समझ पाओ तो रट लेना और रट नहीं समझ समझ में आ जाए तो फिर रटने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए दिन निकालने के लिए डे है ये ईयर है ईयर दो प्रकार के होते हैं एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर आप अपने मोबाइल नंबर को या किसी के मोबाइल नंबर को आराम से याद कर सकते हैं ऐसे ही आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं जो दो नंबरों दो प्रकार के हैं उनको याद करना 144 एक सौ चौवालीस जीरो दो सौ पचास छत्तीस एक सौ छियालीस यानी ये एक मोबाइल नंबर है इसी मोबाइल नंबर को यहां बस जीरो थ्री फोर लगाना है बाकी जीरो थ्री करना है बाकी सेम एस टी से निकल के आ जाएगा तो अब ये क्या है साहब ये ईयर है ये मतलब मंथ का कोड है जनवरी ये फरवरी ये मार्च ये अप्रैल ये मई ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ऐसे ही यहाँ भी सेम निकल के आ जाएगा यहाँ पर जीरो दो सौ पचास छत्तीस एक सौ ये आपने रट लिया ये आपने कर लिया इसके अलावा एक छोटी सी बात और आपके दिमाग में होनी चाहिए वो छोटी सी बात क्या है ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ और उस छोटी सी बात में बहुत छोटी सी बात निकल के यहाँ से निकल के आ जाएगी जैसे 1900 को अगर बेस मानते हैं तो 1900 पे सिर्फ जीरो लिखना है अगर ये कहानी थोड़ी सी ऊपर जाती है ऊपर कहाँ जाएगी दो हज़ार पर जाएगी तो दो हज़ार पर जाएंगे तो प्लस छः कर देना इक्कीस सौ पर जाएंगे तो प्लस चार कर देना ये क्या है एक पैटर्न है बता देने का प्रयास करूंगा अगर बाईस सौ पर जाएंगे तो प्लस टू कर देना ऐसे ही अगर अठारह सौ पर आएंगे तो ये, ये कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी क्या प्लस टू हो जाएगा अगर सत्रह सौ में जाएंगे तो प्लस यहाँ से फोर हो जाएगा सोलह सौ में जाएंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा अगर पंद्रह सौ में जाएंगे तो प्लस टू करेंगे टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स यही काम कर रहे हैं क्लियर तो मुझे लगता है कि यहां पर इस पॉइंट से आप सहमत होंगे कि सिर्फ डे निकालने के लिए टाइप नंबर टू टाइप नंबर थ्री यही से खत्म हो जाएगा हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ यह याद रखना है आइएगा मैं दिन निकाल लेता हूं इसका उसके बाद आप एक ही क्वेश्चन में करा पाऊंगा क्योंकि आप समय की सीमाएं हैं पंद्रह नवंबर लो जी पंद्रह नवंबर 1995 को मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले क्या करना है जो ईयर दिया गया है उसके लास्ट टू अंक टू डिजिट लेना है मैं वन टू वन करके लिख रहा हूं जैसे कि तुम भी लिख सकते हो तो यानी फाइव नंबर टू में जो भी डिजिट आएंगी उन डिजिट को चार से भाग करने पर क्वेश्चन चाहिए यानी हमें भागफल चाहिए हमें शेषफल से मतलब नहीं है तो अगर पिछनवे को चार से भाग करेंगे तो बोलेंगे फोर बंजा फोर पाँच फोर टू एट होता बेटा फोर जा एट और यहां पे तेईस कितना जाएगा तेईस हमने यहां पर तेईस लिख दिया उसके बाद पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये क्या है नवंबर नवंबर का आपको कोड लिखना है यानी कह सकते हैं मंथ का कोड लिखना है और मंथ का कोड अगर देखेंगे तो मेरे बच्चों आप आराम से कह सकते हैं नवंबर में चार यहाँ भी चार यहाँ तो कोड में चेक दो ही जगह करना है जब जनवरी दी जाए तो ईयर को चेक करेंगे तो यानी ये चार आ गया उसके बाद नंबर पे हम डेट डेट लिखेंगे और कितना है बोलेंगे सर यहाँ से पंद्रह है नंबर फाइव पे जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे सेंचुरी उन्नीस सौ उन्नीस लिखा है दो हजार दो हजार तो सेंचुरी की तरफ जाएंगे तो कितना है जीरो तो जीरो लिख देंगे यानी अभी तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेंचुरी का कोड डाल दिया यानी पांच तक हमने यहाँ तक कर लिया है पांच के बाद कुछ नहीं करेंगे हम इनको सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो छठे पॉइंट में क्या करना चाहेंगे जितने भी स्टेप अभी तक हुए हैं इनको आपस में ऐड करना है पांच तीन आठ आठ चार बारह बारह पांच कितना होता है बारह पांच यहाँ से सत्रह सेवनटीन कैरी कितना वन एट 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 फोर ट्वेल्व सेवनटीन ठीक है एक बचेगा तो दस हो गया एक को दो यहाँ पे दस और दस तीन तेरह वन थर्टी सेवन आ चुका है जो भी सम करके यहाँ से आएगा इसको डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है बोलेंगे यहां से डिवाइड करना है हमें डिवाइड करना है से, से क्योंकि कन्वर्ट करना है हमें है हमें सप्ताह में होता कितना बचेगा यहाँ पे छह यहाँ पे सेवन सेवन नाइन जा कितना होता है सिक्सटी थ्री कैरी कितना बचेगा चार जो ये रिमाइंडर आ रहा है इसी को डे में कन्वर्ट कर दो बस डे का मतलब आप कह सकते हैं कि चार जो पॉइंट है हमारे पास चार पॉइंट पे क्या होता है बोलेंगे यहाँ पे वेडनसडे होता है तो आपका आंसर क्या है ही आपका आंसर है है देख लीजिएगा बोलेंगे सर क्या बात है? तो कभी अगर आपसे दिन निकालना ज्ञात करना पूछा जाए हम कुछ नहीं करेंगे यही फंडा लगाएंगे ये स्टेप भी आपका खत्म हो चुका है अगर जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार नहीं हजार बार करके देखना मैं हर क्वेश्चन को ऐसे ही कराऊंगा किसी और तरीके से नहीं कराऊंगा जैसा कि एक क्वेश्चन मैं और देता था हूं और फिर उसके बाद मैं अगले स्टेप नंबर तीन पे चलूंगा क्योंकि टाइम की तुम्हारे पास सीमाएं हैं और फिर सबके पास सीमाएं रहती हैं क्योंकि हमें कवर करने सारे टॉपिक आराम से लो जी कोई डेट लिख देते हैं एग्जाम्पल बेस पे 21 अप्रैल 2006 तो मैंने क्या कहा लास्ट के दो अंक चार से भाग करने पर चार ही करना चार अप्रैल का कोड क्या होगा तो बोलेंगे सर अप्रैल ये रहा जीरो यहाँ भी जीरो तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो दिनांक कितना इक्कीस है बोलेंगे सेंचुरी कोड कितना तो सेंचुरी कितना दो तो यानी छः लिख देंगे तो ये लिख दिया छः इसको जोड़ना और एक साथ इक्कीस सात कितना होता है अट्ठाईस अट्ठाईस छः कितना हो जाएगा चौंतीस चौंतीस को किससे भाग करेंगे बोलेंगे सर सात से भाग करेंगे सात सौ अट्ठाइस होता है कैरी कितना हो जाएगा छः अब छः में क्या होता है तो याद रखिएगा कि छः में जो होता है बेटा फ्राइडे होता है तो इस दिनांक को कौन सा होगा बोलेंगे सर ये फ्राइडे है कुछ नहीं करना देखिएगा टॉपिक नंबर टाइप नंबर टू भी यहां पे एंड हो चुका है क्लियर यहां तक डाउट किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं मजा आया तो टाइप नंबर डो हो चुका है टाइप नंबर थ्री की भी चर्चा कर लेते हैं देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा और तीन टाइप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं लिखेगा पंद्रह दिसंबर 1945 को संडे है तो इस 15 दिसंबर 1945 संडे, तो क्या पूछेगा 18 अगस्त दो को या 2016 को कौन सा दिन था यह पूछेगा तो जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो बड़ी सहजता से करने का प्रयास करना है पहले हमें ये दिया गया ये पूछा गया टाइप नंबर तीन है आपके सामने ये इसको भी सिमिलर वे में ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं अब देखो बड़े प्यार से समझना बहुत आरा, आराम सबको मजा यहां से आ जाएगा कंफर्मेशन तो है नहीं कि ये संडे है नहीं है। हो सकता है वो उसने मानक ले लिया गया हो तो हम भी इसको पहले चेक कर लेते हैं क्या किया गया लास्ट के दो अंक चार से भाग करने पर उसके बाद दिसंबर का कोड कितना होता है बोलेंगे छह दिनांक कितना पंद्रह उन्नीस है तो जीरो उन्नीस सौ तो इनको सबको जोड़ देंगे जोड़ने पे पैंतालीस ग्यारह कितना होता है बोलेंगे सर छप्पन छप्पन और छः कितना होता है बोलेंगे सर बासठ बासठ और पंद्रह कितना होता है तो बोलेंगे सर यहाँ से सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन को अगर हम लोग किसे डिवाइड करें आज से तो रिमाइंडर कितना कुछ नहीं आएगा और जहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ रिमाइंडर जीरो आता है वहाँ दिन होता है सैटरडे तो मेरा यहाँ पर दिन कौन सा आ रहा है बोलेंगे दिन आ रहा है यहाँ पर सैटरडे लेकिन उसने सैटरडे का लिखा क्या है संडे यानी यहाँ से अगला दिन यानी एक प्लस करने के बाद उसका आंसर आंसर है मेरे आंसर का अच्छा ऐसा ही प्रश्न दे दिया चलो कितना बोलेंगे सर सोलह चार से भाग करने पर चार अगस्त के कोड को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा जुलाई अगस्त ये रहा तो अगर अगस्त का कोड ये है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे तीन यहाँ दिनांक कितना अठारह देखेंगे दो हजार दो हजार में क्या करते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्लस छ करते हैं तो प्लस छह कर देंगे इसको आपस में जोड़ेंगे सोलह चार बीस तीन तेईस तेईस और छह कितना होता है बोलेंगे सर उन्तीस उन्तीस अठारह कितना होता है सैंतालीस सैंतालीस को अगर सात से भाग करेंगे तो बोल देंगे सात सात छियालीस हो जाएगा रिमाइंडर कितना आ रहा है पांच अगर हम पांच पे देखें क्या होता है तो आप बोलेंगे सर पांच पे थर्सडे होता है तो जैसे ही आपने यहाँ थर्सडे लिखा लेकिन ये आंसर नहीं है अभी थर्सडे क्योंकि यहाँ एक जोड़ने पर आ रहा है यानी अगर थर्सडे में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फ्राइडे तो इसका राइट आंसर क्या है फ्राइडे आपका आंसर है टॉपिक भी आपका यहां पे एंड हो चुका है कुछ नहीं करना पड़ा देखेगा कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल समझ में आ चुका है राइट right? तो यानी टाइप नंबर यह भी आपके सामने खल्लास तो अगर दिन देख दिन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि इसको आप आसानी से कर पाएंगे अगर कर पाएंगे तो प्यार से एक बार कमेंट कर दीजिएगा और फिर अपनी कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं फिर एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं उसके आधार पर आप उसको करके हम टॉपिक नेक्स्ट पे चलते हैं इस तरीके से चार पांच टॉपिक कंप्लीट करने की मेरी आज भूमिका है उस भूमिका को हम लोग यहां पर टैकल कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न तीन स्टेप में मैंने खत्म कर डाले हैं इसके अलावा कैलेंडर से ज्यादा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्वेश्चन क्या है यह है जो लास्ट वाला मिल जैसे पूछेगा आने वाले कल से तीन दिन बाद 26 तारीख है अब वो 26 तारीख किसी की भी दे सकता है 26 मार्च की दे सकता है 26 अक्टूबर की दे सकता है तो 26 मार्च है, ऐसा कह सकते हैं तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा ऐसा प्रश्न मिसलिनेस कहलाता है कौन सा दिन होगा ऐसे प्रश्नों से ये मान लीजिएगा कि आपको घबराहट पैदा नहीं करनी है बड़ी सहजता से सहनशीलता से काम लेने का प्रयास करना है आने वाले कल से तीन दिन बाद आज ये है आने वाला कल ये होगा इसके तीन दिन बाद एक दो तीन इसके दिन बाद मतलब ये इसकी बात कर रहा है अब इसकी अगर ये बात कर रहा है तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं कि 26 तारीख है 26 तारीख है अगर ये 26 है तो ये कौन सी हो जाएगी 25 हो जाएगी यहां से बोलेगा तो ये 26 चौबीस हो जाएगी इसकी बात करेगा तो 23 है इसकी बात करेगा तो ये 22 है लेकिन खड़ा कहाँ है बोलेंगे 21 पे खड़ा हुआ है तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा ना तुमको पता ना हमको पता क्योंकि इसमें ईयर तो है ही नहीं इसलिए ऐसे प्रश्नों में वो आपसे कहीं ना कहीं दिन देने का प्रयास करेगा कि आने वाले कल से तीन दिन के बाद छब्बीस मार्च को मंगलवार है तो आठ तारीख को कौन सा दिन हो अब निकाल सकते हैं तो यानी इस तारीख में छब्बीस में क्या है मंगलवार है अगर ये मंगलवार है तो बड़े प्यार से कह सकते हैं कि हर सात दिन के बाद सेम डे निकल के आता है ऐसा आप जानते भी हैं तो अगर छब्बीस में मंगल बारह है तो इससे पहले अगर ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सोमवार संडे सैटरडे फ्राइडे एंड सॉरी क्या हम तो भूल गए तो यहाँ पे संडे मंडे होगा संडे होगा सैटरडे होगा फ्राइडे होगा यहाँ पे होगा थर्सडे होगा है ना फिर चले गए कहाँ जाएंगे मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे और बीस में बैडे है ना उसके बाद फिर उन्नीस में क्या जाएगा फिर ट्यूसडे तो यानी ये मंगलवार उन्नीस यानी सात दिन बाद आ रहा है ऐसे ही इसके साथ जोड़ेंगे तो बोलेंगे बारह सात उन्नीस बारह में सात का मतलब सात पांच बारह तो अगर बारह में मंगलवार है हमसे क्या पूछ रहा है आठ तारीख तो यहां पे छह सात आठ तो ये बुध है ये बृहस्पति शुक्रवार तो यानी यहाँ क्या निकल कर जाएगा शुक्रवार ये आपका आंसर जब ऐसे प्रश्न आपको देगा तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता आप आपको नहीं पड़ेगी आप इसको आराम से निकाल पाएंगे क्लियर तो ऐसे प्रश्नों को आपने आराम से आसान से तरीके से करना है इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ रिक्वायरमेंट करने की बिल्कुल भी नहीं होगी इस बात से आप सहमत हैं तो मुझे लगता है कि क्लोक की जो डाटा है उसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं चले इससे ज्यादा हमें इस, इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं और फिर हमें क्वेश्चन को भी आज टैकल करना है और आज हमारी तुमको इन्फॉर्म कर दू जैसा कि आप इससे पहले ये भी जान लीजिएगा कि अभी तक जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं जैसा कि आप देखते हैं कि मैं आई दृष्टि के दो लेक्चर ले चुका हूँ और दो लेक्चरों में आप ध्यान रखिएगा मैंने काफी कुछ निपटाने का काम किया है उसी का अगला पार्ट नंबर थ्री आज बहुत अच्छे कंटेंट के साथ उसी से दृष्टि से निकाल के क्वेश्चनों के साथ बन लाइन के साथ लेकर नौ बजे आ रहा हूँ इसलिए इसको भी आप आज जरूर देखें और अपने करंट को रेडी करते हुए इन सब चीजों का अवलोकन करें राइट क्लैपिंग करें कैलेंडर आपके हाथ में हो चुका है इससे ज्यादा किसी गुंजाइश करने की है भी नहीं कमेंट करिए तो कैलेंडर आपके सामने हो चुका है आइएगा अगले टॉपिक की भी हम फिल्म बनाने का काम करते हैं और फिल्म बनाते हुए अपनी कहानी को आगे लेके चलेंगे फिर प्रश्न भी आज में करा दूंगा तो नेक्स्ट टॉपिक लिखें डायरेक्शन डायरेक्शन से भी सामान्यतः चार से पांच प्रकार के प्रश्न होते हैं हम चार ही प्रश्न करूंगा जिससे कुछ बच्चों का रिजन हो जाएगा कुछ बच्चे उसको समझ जाएंगे ये रही चारों दिशाओं से निकलने वाली तरंगे जैसा कि आप जानते हैं इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है इधर नॉर्थ होता है ये साउथ होता है ये पूरा ही पूरा थ्री हिस्ट्री का होता है इसके बारे में आप जानते भी होंगे तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ दें तो आप ही कह सकते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट कह सकते हैं इधर से जाएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्व तो यानी आप ही कह सकते हैं एक सिनेरियो है जिसको समझना पड़ेगा इसमें समस्या तो मुझे लगता है कि इससे चार से पांच प्रकार के अगर प्रश्न जो बनते हैं उसको हम लोग कर लें तो यहां से चार प्रकार के प्रश्नों का मतलब या तो वो दिशा से प्रश्न पूछता है या वो दूरी से प्रश्न पूछता है एक टाइप ये एक टाइप ये अगर दिशा और दूरी से नहीं पूछेगा तो वो प्रश्न एंगल से पूछता है और अगर एंगल से नहीं पूछा तो फिर वो मिसलेनियस प्रश्न पूछता है तो यानी चार ही स्टेप होते हैं डायरेक्शन में अगर चार प्रश्न कर लें तो चार प्रश्नों से पूरा टॉपिक आपके हाथों में निकल के यहां से आ जाएगा क्लियर तो आइएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने हम दूरी से बात करते हैं दिशा से बात करते हैं सारे क्वेश्चन यहां से निकलते हुए चले जाएंगे तो वन टू वन करके हम लोग बात करते हैं लिखो क्वेश्चन नंबर पहला एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है फिर वह दाए मुड़कर 80 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर सो मीटर चलकर दाएं मुल का सो मीटर चलने के बाद रुक जाता है रुक जाता है अब जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो उसके कई सारे प्रश्न बन सकते हैं मैं आपके सामने दिशा वाले दो तीन प्रश्न पूछने का प्रयास करता हूं पहला पॉइंट प्रारंभ से किस दिशा में है दूसरा पॉइंट वर्तमान में किस दिशा में चल रहा है वर्तमान में किस दिशा में चल रहा है एक आध पॉइंट और यहां से ले सकता है उसको भी बड़े आराम से वन टू वन करके समझने का प्रयास करें अब पहले सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं रीजनिंग में किसी और के ऊपर ना ले जाके अपने ऊपर ले आनी चाहिए जैसे कैलेंडर ब्लड लेसन है कोई ऐसा प्रश्न आए ब्लड लेसन का तो अपने ऊपर ले जाओ मेरे फूफा का नाना ना इस तरीके से ऐसे ही कैलेंडर डायरेक्शन भी यही कहता है कि अपने ऊपर लेके जाओ उत्तर कहाँ है बोलेंगे सर ऊपर जाता लो जी ऊपर चला कितने मीटर जाता है सो मीटर जाता कोई व्यक्ति इस तरीके से जाएगा लेफ्ट ये होगा राइट ये होगा अगर उत्तर से मूल का चलता है बाएं तो पचास तो इस तरीके से चलेगा पचास इसके बाद फिर वह दाएं मुड़का तो जब वो ऐसे चल रहा होगा तो दाएं ऊपर जाएगा तो ये रहा आपका यहां से बोलते हैं अस्सी मीटर फिर वह अंत में दाए मुड़कर जो ऐसे मिलेगा तो दाएं ऐसे मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहां से सो मीटर और यहां जाने के बाद वो अंत में यहां रुक जाता है तो दो तीन प्रश्न यहां से वो पूछ सकता है यहां से अगर हम पहला प्रारंभ से किस दिशा में तो अगर प्रारंभ की दिशा ये है इसको मार्क कर लें और यहाँ है बेचारा तो आप कह सकते हैं ये तो नॉर्थ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है आप आराम से कह सकते हैं तो ये दिशा यहाँ है तो प्रारंभ से किस दिशा में है तो बोलेंगे सर ये नॉर्थ ईस्ट में है एक आंसर तो आपका ये निकल के आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है तो ये जो दिशा है इधर वाली ये सारी ईस्ट कहलाएगी तो कौन सी दिशा में जा रहा है इस दिशा में जा रहा है क्योंकि ये नहीं पता कि भाई कहाँ तक जाए कितनी लंबी दिशा है बट उसका आंसर ये निकल के आ जाएगा कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान से प्रारंभिक दिशा कौन सी है तो वर्तमान में यहाँ आदमी खड़ा हुआ है इसको अगर हम लोग काउंटिंग कर लें तो ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये दिशा कौन सी है तो बोलेंगे सर ये जो है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट है तो आंसर क्या निकल के जाएगा साउथ वेस्ट तो नजरे ये ध्यान रखना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है अगर ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रारंभ से किस दिशा में है तो यहाँ खड़े हो जाना अगर ये पूछ रहा है कि वर्तमान से प्रारंभ की दिशा में है तो यहाँ खड़े हो जाना या ये पूछा कि दिशा में जा रहा है तो वहाँ खड़े हो जाना सारे आंसर मुझे लगता है कि यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाएंगे मेरी बात से अगर सहमत है तो एक बार दिल से कमेंट करिएगा इस टॉपिक के बाद कुछ प्रश्न कराऊंगा फिर मैं टॉपिक करा दूंगा तो ये टाइप नंबर वन आप कर पाएंगे अगर ऐसा प्रश्न आपसे कुछ भी तरीके का प्रश्न पूछता है तो मुझे आशा है कि जो दिशा वाल वाले प्रश्न हैं ये वाले ये दिशा पहले की दिशा पूछे बाद उसको आराम से बता पाएंगे इट्स पॉइंट ऑफ क्लियर डाउट आइए दूरी की ओर बात करते हैं फिर इसके बाद कहानी को एंगल पर लेके चलते हैं दूरी से भी प्रश्न पूछ लेता है कि लिखें यदि एक व्यक्ति यदि ए उत्तर पचास किलोमीटर चलने के बाद के बाद दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता 25 किलोमीटर चलता है पुनः दाएं मुड़कर 100 किलोमीटर चलता है ऐसा प्रश्न जब पूछेगा मैं तरीके बता रहा हूं इससे तब भी पूछ सकता है लेकिन मैं तरीके इसलिए बता रहा हूं कि क्या क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन से दूरी में दो तरीके पूछ सकता है चली गई कुल दूरी ज्ञात करें दूसरा पॉइंट उसने यह पूछ सकता है कि प्रारंभ से वर्तमान की दूरी ज्ञात करें प्रारंभ से वर्तमान की दूरी ज्ञात करें तो यानी मैं ये कह सकता हूं यह भी वो आपसे पूछ सकता है चली गई दूरी या प्रारंभ से वर्तमान की दूरी दोनों प्रश्न आपसे वो खतरनाक मोड में लेके आ सकता है आओ इसको भी करा के अपनी कहानी को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं जैसे उत्तर में चला गया कितना पचास किलोमीटर दाएं मुड़कर कितना चला है पच्चीस किलोमीटर फिर उसके दाएं मुड़ा है तो कितना सौ किलोमीटर तो यानी पे आ चुका है एग्जाम्पल बेस पे चली गई दूरी तो कुछ नहीं करना इन सबको जोड़ेना पचास पच्चीस और हंड्रेड तो आप ये कह सकते हैं एक आपका आंसर निकल के आ जाएगा किलोमीटर अगर इसी प्रश्न को वो घुमा के पूछ रहा है कि प्रारंभ से कितनी दूरी पर है तो आप क्या करेंगे आप इसको ये दूरी पूछ रहा है कि यहाँ से यहां तक कितनी दूरी है तो जैसा कि आप इसको कर्ण कह सकते हैं हाइपोटेंस कह सकते हैं तो परपेंडिकुलर ये जो बेस है ये पच्चीस है तो ये भी कितना होगा पच्चीस होगा और ये पचास है और ये पूरा सो है तो कितना होगा पचास होगा तो इन दोनों का स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो कितना हो जाएगा बोलेंगे सर पच्चीस का स्क्वायर प्लस पचास का स्क्वायर पच्चीस का छह सौ पच्चीस पचास का पच्चीस सौ इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकतीस पच्चीस इकतीस पच्चीस किसका स्क्वायर होता है वो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मुझे लगता है टाइप नंबर वन टाइप नंबर टू और भी इसमें टिफिकल्ट कैसे भी बनाएगा बट ध्यान रखिएगा इन दो प्रश्नों के अलावा कभी जिंदगी में प्रश्न होता ही नहीं है तो बनेगा कहां से ये मैं आपको बिलीव दिला सकता हूं तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को जब भी कराऊंगा तो कर दिमाग में आ जाएंगे टाइप नंबर ये आपके रेडी हो चुका है टाइप नंबर बात करते हैं एंगल की लो जी एंगल में जब भी प्रश्न पूछता है तो उससे भी तीसरा टाइप लिख लिया फिर चल देते हैं एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है फिर वह दक्षिणावर्त इसको दाया वर्त कह सकते है। राइट हैं राइट हैंड साइड दाया वर्त एक डिग्री घूमता है फिर बायावर्त 270 डिग्री घूमता है अंत में 45 डिग्री दाया वर्त घूमता है तो वर्तमान में उसका मुंह किस दिशा की तरफ है किस दिशा की तरफ है ऐसा प्रश्न जब वो पूछेगा तो उसको भी हमें बड़ी सहजता से करने का प्रयास करना है राइट right? क्लियर अब ऐसे प्रश्न जब पूछेगा तो दो तरीके हैं या तो हम उसको क्लोक वाइज इस तरीके से घुमाएं पूरा में तो इसका मुंह ऐसे ऐसे घुमाएं क्लोक वाइज, बट ऐसे नहीं करते हैं जो दाया वर्थ मतलब क्लोकवाइज बाया वर्थ वाइज, उसको लिख लेते हैं तो यानी दाया इसको बोलते हैं बाया आप दाया कितना घूम रहा है बोलेंगे वन थर्टी फाइव उसको लिख लीजिएगा उसके बाद बायां घूमना कितना टू सेवेंटी उसको लिख लीजिएगा फिर अंत में फोर्टी फाइव कहाँ घूम रहा है दाया तो फोर्टी फाइव लिख लीजिएगा ऐसा करने से जो जो वैल्यू और भी हो सकते इसको जोड़ लो तो यहाँ पर कह सकते हैं एक हो गया और ये कितना होगा टू इसको लेस करेंगे तो आप ये कह सकते हैं माइनस के नाइन्टी यानी कह सकते हैं किसका एक्स्ट्रा आ रहा है वो लेंगे सर बाया वर्थ का तो आप यहाँ से जो व्यक्ति ऐसे घुमा हुआ है अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कितने का 90 का होता है पूरा ये कितना फोर्टी फाइव होता है तो यहां इधर का मुंह इसका है तो फोर्टी फाइव नाइन्टी कितना हो जाएगा बोलेंगे सर उत्तर में तो आंसर क्या है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत किसी के साथ तो यानी ये एक सिचुएशन है कि जब ऐसा प्रश्न तुमको दिया जाए तो हमको कोई नया तरीका नहीं लगाना है हमने सिमिलर वे में देखा जाए तो क्लोगवाइज एंटी क्लोगवाइज को लिख लेना है उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू बचेगी बस उसकी तरफ उसको घुमा देना है इसका आप आराम से आंसर निकालने का प्रयास कर सकते हैं क्लियर मजा आया ठीक है सर टॉपिक टाइप नंबर ये भी एंगल को ऐसे करना है दूरी को ऐसे निकालना है दिशा को ऐसे निकालना है अब हम के, फिर इसके बाद क्वेश्चनों पे चल लेते हैं या अगले टॉपिक पे चलेंगे जिससे कि कहानी थोड़ी दिमाग में सेटल हो जाएगी जो मिस्लियस प्रश्न है ये खतरनाक तरीके के पूछ लेता है घुमा घुमा के यदि लिख लेगा यदि पूरब को पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा या दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा पश्चिम को क्या कहा जाएगा ऐसे प्रश्नों को मिसलेनियस प्रश्न की भूमिका में हम लोग रखने का प्रयास करते हैं जैसे आपके पास ये चार्ट है ये ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है इसको क्लोक करेंगे तो ये क्या है नॉर्थ ईस्ट है ये साउथ वेस्ट है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है ये साउथ ईस्ट है अब आपसे कह रहा है कि सर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा गया उत्तर पश्चिम मतलब ये कहा यानी जो ईस्ट है इसको ये कहा गया अब आपके पास दो तरीके हैं इसको क्लोक लेके जाओ या एंटी क्लोग वाइज लेके जाओ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है यानी से इस से लेकर यहाँ तक जाना तो यानी एक प्रकार से हम यहाँ तक जाएंगे तो भी चल सकता है या एक प्रकार से यहां तक जाएं तब भी चल सकता चल सकता सकता है बोलेंगे सर है तो अगर पीछे जाएंगे तो एक दो गैप मार के तीसरा आंसर है लेकिन क्लोगवाइज लेके जाएंगे तो एक दो तीन चार पांच तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें क्या करना है ऐसे ही हम कह सकते हैं अगर बैग लेके जाएंगे तो माइनस वन टू माइनस थ्री पे हमारा आंसर निकल के आ रहा है चलो हमसे क्या पूछा गया दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये रहा अब इसको कहा करेंगे पीछे तो इसका पीछे इधर आएगा या टू माइनस थ्री तो, तो, तो यानी तो आंसर क्या है ईस्ट तो आपका आंसर क्या निकल के जाएगा ईस्ट मतलब पूरा आंसर है आपका क्लियर तो यानी ऐसे प्रश्नों को हम आराम से इज एंटी क्लोकवाइज करने का प्रयास कर सकते हैं एक आध प्रश्न और करने का प्रयास करते हैं और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं महेश बाबू क्या हम संविधान पढ़ रहे हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बात करने के लिए इस मंच पे आए हो क्या तुम्हें डिसिप्लिन का नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए पहले आदमी को मानव बनना पड़ता है पढ़ाई कर लीजिएगा बेटा पढ़ाई करने आए हो तो कोई समझ में नहीं आ तो कमेंट करिएगा ऐसे पढ़ो जैसे यूट्यूब पे भी हम क्लास में पढ़ रहे एप्लीकेशन पे तब तो लगेगा कि हाँ हम तुम सब बड़े मस्ती के साथ ज्ञान दे रहे हैं Clear? एक क्वेश्चन और करते हैं और मजा आ जाएगा एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है सुबह भी कर सकता है शाम भी कर रखा है ऐसे कर सकता है व्यक्ति योगा कर रहा है यदि उसका सिर नीचे और टांगे ऊपर है एवं उसका मुंह मुख की दिशा पश्चिम में है तो उसका बाया हाथ या बाएं हाथ किस दिशा में बाया हाथ किस दिशा में है ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये मिशलित कहलाए जाते हैं देखिएगा। क्लियर तो ऐसा प्रश्न अगर देखा गया है तो इसमें कैसे करेंगे एक व्यक्ति योगा कर रहा है ठीक है भाई सब कुछ भी कर सकता है सर ऊपर है नीचे है और टांगे ऊपर है आपसे पूछ रहा है कि उसका जो मुख है वो कहाँ पर है पश्चिम दिशा में है तो यानी उसका मुख की दिशा पश्चिम की तरफ है तो उसका बाया हाथ कहां है आपसे पूछ रहा है ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो मिसलित प्रश्न कहलाते हैं आप देखो इसको कैसे करेंगे बड़ा मजा आ जाएगा बताओ कमेंट करके जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे बड़े सिंसियर तरीके से समझ रहे होंगे सर भाक्य में क्वेश्चन का लेवल अब तीसरे बढ़ने लगा है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग मिशले पार्ट में रखने का प्रयास करते हैं जो जिनकी कोई ट्रिक नहीं होती कंसेप्ट दिमाग में लगाना पड़ता है बताइएगा साउथ में बोल रहे हैं सब लोग बताएं कमेंट करके चले एक व्यक्ति युवा कर रहा है ठीक है आइए उसको समझते हैं बड़े प्यार से टांगे ऊपर है सर नीचे है देखिएगा ये चार साइडे हैं आपके सामने ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है अगर हम ये देखें तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी अगर सर ऊपर नीचे है और टांगे ऊपर है लेकिन मुख कहा है पश्चिम दिशा की तरफ है तो आप सोचो इमेजिन करिए मुख इधर होगा तो आप सोच सकते हैं कि मुंह इधर है तो जब कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो उसका लेफ्ट इधर है राइट इधर है लेकिन जब वो नीचे करेगा मुंह तभी तो उसका इधर आएगा तो यानी अगर मुंह इधर आएगा तो बायां हाथ किधर होगा नॉर्थ में तो तो यानी कह सकते हैं उसका बायां बायां हाथ हाथ किस दिशा में तो किधर होगा बोलेंगे सर उसका नॉर्थ में होगा अगर ऐसे करके लेटेगा तभी तो उसका साउथ ईस्ट में आएगा तो यानी कह सकते हैं जो पूरब में जब आएगा तो जब उसका बायां हाथ कहां आएगा बोलेंगे सर साउथ में तो भाई सिंपल वे में समझो खड़ा तो अगर ऐसे खड़ा है पश्चिम की दिशा की तरफ है तो बाया हाथ है साउथ में, लेकिन जब ऐसे उल्टा कर दो इस कार्ड तो यहां नॉर्थ में जाएगा तो दिशा कौन सी कहलाएगी नॉर्थ कहलाएगी देखेगा क्लियर आपके दिमाग पिक्चर बनी तो ये रहा एक टॉपिक जो मैंने कलर यहाँ से डायरेक्शन के पीछे कैलेंडर दो टॉपिक हमने आज कवर करने का प्रयास करा आइएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कराता हूँ अभी तक हमने चार पांच टॉपिक कल कवर करे थे दो टॉपिक कवर कर रहे हैं दो तीन टॉपिक और भी कवर करेंगे आओ कुछ क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसका यूज हमने कैसे कर सकते हैं वो सारे जो प्रश्न है वो एक प्रकार से कह सकते हैं आर के एग्जाम के आए हुए प्रश्न होंगे तो ये रहे पहला क्वेश्चन आपकी थाली में ईरा जिससे कि तुम थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाओ देखिएगा इस प्रश्न का आंसर तो हम लोग कल दस तक कर चुके थे मुझे लगता है इसकी सीट भी हम तुमको दे देंगे तो मुझे लगता है कि कल दस तक हम लोग किए थे आज बारह से करना स्टार्ट कर लेते हैं ये बताइए इसका आंसर आंसर क्या है का आंसर है चलिए निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक सब टीचर्स सबसे नहीं लिख सकते हैं मुझे लगता है इसको बता पाएंगे आपके आरओ का ही प्रश्न है टीचर से आपके सामने लिखा हुआ है आपसे पूछा है टीचर में से क्या नहीं लिख सकते हैं यानी इन लेटरों में से इन लेटर को निकालना है कि कौन सा हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो यानी आप ही कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी वर्ड को चेक करने से पहले आर ई -ए, ए सी एच तो यानी आर ई ए सी एच चलेगा सी एच डबल ई आर तो सी एच डबल ई आर तो सी एच डबल ई आर भी तो चलेगा सर्च पे जाएंगे तो एस ई एस ई ए हो गया उसके बाद आर हो गया उसके बाद क्या हो गया सी हो गया उसके बाद एच तो है इन एच भी हो गया तो यानी इसको भी चल सकता है फिर क्या है चेयर सी एच ए आई आर तो सी एच आई तो है ही नहीं इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी इज राइट ऑप्शन राइट क्लियर चले यहां तक पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ये अभी समझेंगे डायग्राम को मैं समझाऊंगा यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इसको थोड़ी देर में अभी करेंगे अगला प्रश्न आपकी थाली में ये रहा देखो एक बंदर किसी फिसल फिसलदार जो सोलह मीटर ऊंचे खम्बे पर चढ़ने का प्रयास करता है यदि एक मिनट में एक मिनट चढ़ता है और अगले मिनट में एक बटे चार क्या है फिसल जाता है तो खंबे की चोटी पर कब पहुंच जाएगा यह आपसे पूछा गया है काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और बड़े सिमिलर वे में समझने का प्रयास करें और वन टू वन करके चीजों को हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे बताइएगा यानी किसी फिसलदार सोलह मीटर का एक ऊंचा खंबा है एक मिनट में एक मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में एक बटे चार जो है उसका फिसल जाता है ऐसी स्थिति में खंबे की चोटी पर कब पहुंच जाएगा यह आपसे पूछा गया बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या है काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को हमें यहां पर मिल रहा है वह खंबे की चोटी पर पहुंच कब पहुंचेगा तीस मिनट में बत्तीस मिनट में छत्तीस मिनट में उपरोक्त में से कोई नहीं देखेगा इकतालीस मिनट में अरे वाह कोई और कमेंट करिएगा बत्तीस मिनट में ऐसे क्वेश्चन दबा के एग्जाम लगातार हमसे पूछता है तीस मिनट बत्तीस मिनट छत्तीस से मिनट से कोई नहीं देखेगा देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप आराम से उसको बताने की चेष्टा करें जैसे कोई भी अगर बंदर है कोई भी आदमी है अगर अंतिम पायदान यहाँ पे 16 मीटर है समझो बड़े प्यार से प्रश्न को भावनाओं से देखना तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर यदि एक मिनट में एक मीटर चढ़ता है जो लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो बड़े बेस से समझने का प्रयास करें कि लास्ट का जो एक जंप मारेगा एक मिनट वाला वो यहाँ पर एक मीटर चलने के बाद वो वापसी नहीं फिसलेगा क्योंकि वो टॉप पे पहुँच जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमेशा हम लोग जो लास्ट चढ़ने की कहानी होती है उसको लेस कर लेते हैं तो यानी एक मिनट में एक जो मीटर है ये वाला ये हटा देंगे तो यानी जो सोलह मीटर का रास्ता है अब उसका रास्ता बचा है पंद्रह मीटर मीटर का क्या कंडीशन है एक मिनट में एक चढ़ता है और वापस क्या है एक बटे चार मीटर फिसल जाता है एक बटे चार का मतलब पॉइंट टू फाइव फिसल जाता है और एक मीटर में से अगर तो पॉइंट टू फाइव घटाएंगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि, तो कह सकते है कि दो में कितना चढ़ रहा है बोलेंगे तो है। इस बात से आप सहमत हैं बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है अगर दो मिनट में यहां पर पॉइंट सेवन फाइव चढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर चार मिनट में आप इसे कह सकते हैं डेढ़ चढ़ जाएगा बिल्कुल अगर आठ मिनट में कहूंगा तो आप कह सकते हैं सर तीन चढ़ जाएगा इस पॉइंट से आप बिल्कुल अपने अंदर की भावनाओं को निकालने का प्रयास कर रहे होंगे कि आठ मिनट में तीन चढ़ जाएगा ठीक है चढ़ाना कितना है पंद्रह जब आठ मिनट में तीन चढ़ा है तो आप कह सकते हैं छोलह में दुगना कर लो नो तो आ, तीन तिया नो आठ तिया चौबीस में फिर कितना बारह तो कितना बत्तीस में फिर कितना पंद्रह तो यानी चालीस में अभी आप ये कह सकते हैं कि जो पंद्रह है ही चढ़ाना था इसे हम लोगों ने चालीस मिनट में चढ़ा लिया इस बात से आपको बहुत मजा आ गया होगा अब ये प्रश्न ये बन जाता है साहब जब अगला जंप लास्ट वाला यहां तक पहुंच चुका है चालीस मिनट में कितना पंद्रह अब सोचिएगा यहां से एक मिनट तो बचा ही है जैसे ही इसका जंप मारता है वो टॉप पे पहुंच जाएगा तो यानी अगर हम चालीस मिनट में एक मिनट काउंट कर लें और एक ही काउंटिंग कर लें तो सोलह जो कितने में चढ़ेगा इकतालीस मिनट में जो कि इसका कोई आंसर नहीं दे रखा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका डी इज राइट ऑप्शन तो जब ऐसे प्रश्न दे रखे हों तो बड़ी उसे सहजता से देखने का प्रयास करें और वन टू वन करने का प्रयास करिएगा ऐसे प्रश्न आर आर में पीसीएस में यूपीएससी में लगातार आपसे पूछता रहता है इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग आराम से इसलिए करने का प्रयास करते हैं दिल खुश हो गया मजा आ गया ऐसे प्रश्न को दिमाग से करने का प्रयास करना है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं आइएगा आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को तो अभी करेंगे क्योंकि ये अभी ब्लड लेसन का इसको मैं पहले बता दूं जब समझ में आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नीचे दी गई संख्याओं में लुप्त संख्या को ज्ञात करनी लगाओ दिमाग इसमें क्या करना था दिखेगा इसका नीचे गई संख्या का सही कूट आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है बहुत प्यार से लुप्त संख्या लुप्त संख्या मतलब यहां पर आपके पास आपके पास पास एक मिसिंग नंबर है चार स्टेटमेंट चार, 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 ये सारे प्रश्न जो है आर ओ के पीसीएस के आए हुए हैं इसलिए इनको दिमाग में रखने का प्रयास करें बताइए सब लोग कमेंट करें सब लोग कितना मजा आ जाएगा बताइए देखते हैं कितने लोग हैं पानी में चलिए साहब दे जल्दी से कमेंट सी आंसर दे रहे देखिए सब लोग देखो अगर हम इसको कैसे सेट करें जिससे आंसर निकल के यहां से आ जाए अगर छह को सात को नौ को सात को जोड़ लें तो कितना हो गया सोलह नौ सात सोलह सोलह का आधा करने पर कितना आ रहा आठ चल रहा है तो मामला ठीक है अगर इसको चार और छह को जोड़ कितना हो जाएगा दस दस को आधा कर लेंगे पांच चल रहा है ठीक है अगर अब बीस में से बारह बारह किसका आधा होता है चौबीस का अब मुझे यहाँ पर बीस तो मेरे पास है लेकिन यहाँ कितना आना पड़ेगा चार जिससे कि चौबीस होकर आधा बारह आ जाए तो आंसर क्या है इसका बीस राइट ऑप्शन देखिएगा क्लियर महेश बाबू कब से क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने ये वाली हमारी यूट्यूब की एक बार कमेंट करिएगा इनसे एक मिनट का मुलाकात कर लूँ अगर आप सब बोले तो कब से क्लास ज्वाइन की है आपने महेश कमेंट करिएगा कब से क्लास आज से, आजि से क्लास में आए हो क्या नहीं आप लोग कुछ नियम कानून नहीं जानते क्लास लेने का क्या आपको डिसिप्लिन में रहके पढ़ाई करनी होती है इस परिवार के साथ क्योंकि यहां एक ही उद्देश्य है हर किसी का अपने सपने को पूरा करना यदि आप टाइम पास करने के लिए यहां आए हो तो कम से कम धैर्य बनाए रखिएगा हम तुमसे लास्ट में मुलाकात कर लेंगे लेकिन बीच में बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब मत करिएगा ठीक है राम एक किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर पांच किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलाता है वहां से फिर दो किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में नौ किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है तो अपने बिंदु से कितनी दूरी पर देखेगा मैंने कहा था ना दो ही प्रकार के प्रश्न पूछेगा कितनी दूरी पर है या परम से कितनी दूरी देखेगा तो यानी आपके दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाना चाहिए कि क्या निकल के आ रहा बताओ इसका आंसर सब लोग बताओ फिर मैं, मैं भी कराता हूँ बताइए सब लोग लाड लो इसका आंसर क्या है कमेंट करिएगा इसका आंसर दे फटाफट जल्दी से हम लगा के चलते हैं राम एक किलोमीटर पूरब में चलो चलाओ पूरब की है इधर एक किलोमीटर वन किलोमीटर चलकर पांच किलोमीटर दक्षिण दक्षिण में तो पांच किलोमीटर दक्षिण कहा है नीचे तो चला दो पांच किलोमीटर फिर कहां पर है फिर दो किलोमीटर पूरब में दो किलोमीटर पूरब इधर है चला दीजिएगा दो किलोमीटर फिर कहां पर चलकर अंत में नौ किलोमीटर उत्तर में तो नौ किलोमीटर उत्तर कहां है लो ये रहा नौ किलोमीटर उत्तर में अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है इसका मतलब दूरी वाला प्रश्न दूसरा पूछ रहा है कौन सा वाला कितनी दूरी चली है ये नहीं दूरी पर है तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ कि पूछ रहा है तो इसके बारे में आप बड़े प्यार से कह सकते हैं सर अगर ये दो है तो ये भी दो माना जाएगा तो अगर ये एक है ये दो यानी कितना हो गया तीन हो गया और ये अगर नो है और ये यहाँ पे पांच है तो आप आराम से कह सकते हैं कितना बचेगा चार बचेगा तो अगर ये तीन है ये चार है और जब जिसकी दूरी तीन होती है चार होती है तो आप आराम से कह सकते हैं ये दूरी कितनी जाएगी ऑटोमेटिकली पांच जो कि आंसर क्या है इसका राइट ऑप्शन देखिएगा तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे बड़े मोहब्बत से देखने का प्रयास करता है और इन प्रश्नों को बस दिमाग से प्रयोग करना मैं दिखा रहा हूं आपको टॉप तो आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिएगा बताओ इसका आंसर क्या है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना लुप्त संख्या मतलब यहां पर एक मिसिंग नंबर है आप उसको यहां पर ज्ञात करना है और मिसिंग नंबर इस तरीके से उसने यहाँ मार देते हैं कि ये रहा मिसिंग नंबर देखें बताइए साहब क्या आंसर है छह चौबीस साठ एक सौ बीस दो सौ दस कमेंट करें इसका आंसर क्या सत्रह का आंसर बताएं फिर हम लोग आगे चलते हैं छह चौबीस साठ एक सौ बीस दो सौ दस इसमें राइट आंसर पूछा गया कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं कुछ बच्चे बी बोलेंगे देखो सब लोग बताएं क्या क्या, क्या आंसर निकले देखो अगर हम छह को देखें तो छह क्या है ऐसा कह सकते हैं कि दो का स्क्वायर दो भी ऐड भी कर सकते थे लेकिन ये संख्या बड़ी ज्यादा आ रही है तीन का स्क्वायर नहीं बनेगा इसमें तो दो का क्यूब माइनस दो करें तो आठ आठ में से दो घटाएंगे छह आ रहा देखो अच्छा चौबीस को सेट करते हैं तीन का क्यूब माइनस तीन करते हैं तो तीन तीन सत्ताईस में तीन घटाएंगे चौबीस आ रहा है बिल्कुल सही है यहाँ पे क्या साठ तो यानी चार का क्यूब माइनस के चार करेंगे तो कितना चौंसठ माइनस चार यानी साठ आ रहा है बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे एक सौ पच्चीस एक सौ बीस है यानी पाँच का क्यूब है माइनस के पाँच घटाएंगे तो यानी एक सौ बीस आ रहा है यहाँ पे क्या देखेंगे तो ये छः का क्यूब है तो छः का क्यूब माइनस छः तो यानी कह सकते हैं दो सौ दस आ रहा देख लीजिएगा तो क्या करेंगे सात का क्यूब करेंगे सात का क्यूब कितना होता है बोलेंगे सर यहाँ से सात के क्यूब में से सात घटा देंगे

नंबर आपके सामने अठारह देखते हैं फटाफट क्या लिखा यदि कुछ संत सहित थे तो सत्य सत्य है तो तर्क वाक्य कुछ सहित नहीं थे अनिश्चित है? है सत्य है असत्य है इसके बारे में आप बताने का प्रयास करें भाई कुछ संत सहित थे ये सत्य है तो तर्क जो वाक्य है कुछ सहित जो है असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान हो सकता है ये बताने का प्रयास करना देखो क्लियर बताए कितना खतरनाक कुछ देखने मिल रहा है कितना क्वेश्चन अच्छा सिंपल कुछ संत शहीद थे सत्य है तो जो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत हैं असंत नहीं थे देखेगा भाई साहब एक छोटी सी बात सोचो सत्य अथवा सत्य होने की क्या संभावना अनुमान हो सकता है ये सत्य ही हो सकता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ संत शहीद थे तो सत्य है तो तर्क जो वाक्य दिया रखा है कि कुछ शहीद जो है असंत नहीं थे निश्चित रूप से वो सत्य होगा क्योंकि इसके पीछे ये है कि वे शहीद जो संत थे वो शहीद जो संत थे वे निश्चित रूप से ही असंत नहीं होंगे वो संत ही होंगे इसलिए यहां इसका आंसर क्या है बी इज राइट ऑप्शन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखो ये रहा इसको तो तुम बताने का प्रयास करना ही पड़ेगा आपको और देखो कराया था ना कल मैंने और लग रहा है मुझे सेम कराया लग रहा है मुझे मुझे लगता है कि मैंने ये सेम ही कराया था याद है कल बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं तो इन क्वेश्चनों के बाद एक दो टॉपिक और निपटाते हैं जिससे कहानी आपके दिमाग में बनती चली जाए किसी पंक्ति में पी पाए से दसवें स्थान पर है दाएं से बारहवें स्थान पर है और पी और क्यू अपने स्थान पर परस्पर बदल देते हैं पी बाएं से दसवें स्थान पर था क्यू दाएं से क्यू दाएं से बारहवें स्थान पर खड़ा है पी और क्यू अपने स्थान बदल देते हैं तो पी बाएं से अठारवें स्थान पर जाता है पी और क्यू के अतिरिक्त कितने बच्चे हैं कल आपने देखा होगा मैंने इसको रीअरेंज वाले में कराया था याद है आपको अगर तो अगर आपको याद है तो ये ध्यान हो जाएगा कि आराम से इसको बता सकते हैं बताओ इसका आंसर क्या है P बाएं से दसवें स्थान पर है Q दाएं से बारहवें स्थान पर है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर चेंज करने पर P का स्थान अठारवा इसलिए हमने इसको पीछे रोक दिया क्योंकि P जो है इधर जाएंगे यानी P इधर जाएंगे और Q इधर जाएंगे ऐसा करने से आप ये समझ सकते हैं सिमिलर वे में कि P Q का स्थान लेंगे और Q जो है P का स्थान लेंगे इसलिए ये इधर जाएगा तो स्थान देखो बढ़ा है घटा नहीं अगर ये घटता तो ये Q अंदर आ जाता ऐसी कंडीशन में अगर देखेंगे तो ये बोल रहा है कि साहब पी स्थान लेता है तो यहाँ से तो ये अगर बारहवा और ये स्थान तो इस पी का हो चुका है कौन से नंबर का अठारह का यानी अठारहवें नंबर का तो इधर कितने आदमी बैठा है तो बोलेंगे ग्यारह आदमी बैठा है तो अठारह और ग्यारह कितना हो जाएगा उनतीस आदमी है लेकिन वो कह रहा है बड़े प्यार से देखने का प्रयास करें वही कह रहा है कि पी और क्यू के अतिरिक्त यानी दो लोग तो कन्फर्म है उन्तीस में से दो तो कन्फर्म है पी और क्यू तो कितने बचेंगे बोलेंगे सर 27 बचेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका सत्ताईस आपका आंसर निकल के आ जाएगा देख रहे हो ऐसे प्रश्न आर ओ में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे निम्नलिखित में से लुप्त संख्या क्या है देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बताओ सब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से लुप्त संख्या क्या देखेगा और ऐसे प्रश्नों को बड़े सहजता से कितना लिखा है तीन लिखा है पांच लिखा है आठ लिखा है तेरह लिखा है बाईस लिखा है और यहाँ बताना है क्या लिखा है लो जी बताओ इसका आंसर क्या है इसको आप सब बताइएगा सोचो बिचारो ऐसे प्रश्न पंद्रह बीस आएंगे आर ओ में देखिएगा इसको बताएं क्या है इसका आंसर सब लोग कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं देखो बहुत प्यार से समझना क्वेश्चन बहुत खतरनाक है इसको बड़े सहसा से देखने का प्रयास करना तब इसको कर पाओगे आप लोग क्या लिखा है तीन का पांच लिखा है तो क्या करेंगे दूनी माइनस वन ऐसा कर सकते हैं तीन दूनी छह छः में से एक घटाया पांच अच्छा ठीक है पांच धुनी दस में से दो घटाया आठ आठ धुनी सोलह सोलह में से तीन घटाया तेरह तेरह धुनी छब्बीस छब्बीस में से चार घटाया दोगुना करके ऐसे ही बाईस धुनी चौबालीस यहाँ एक घटाया हाँ दो घटाया हाँ तीन घटाया चार घटाया हाँ पांच घटाएंगे तो कितना जाएगा उनतालीस उनतालीस कहाँ है इसका बीस राइट ऑप्शन देखिएगा देख रहे हो तो ऐसे प्रश्न आरओ आरो में जब देगा तो आपको बहुत सहजता से देने का परिचय करना है कि सर बाकी में इन प्रश्नों को हम लोग आराम से करने की भूमिका में होना चाहिए क्लियर तब जाके ये प्रश्न हमारे यहां से बन पाते हैं तो ये बीस प्रश्न हमने आपको ये कराए इसलिए जिससे कि आप इनका अवलोकन कर सकें और ये जान सकें कि प्रश्न का लेवल कैसा रहता है प्रश्न का लेवल आसान रहता है बस उसको करने के तरीके थोड़े से चेंज होते चले जाते हैं आइएगा एक दो टॉपिक से और रूबरू कराता हूँ आपको और इन रूबरू कराने के बाद इन प्रश्नों से जो दिए गए हैं उन प्रश्नों से भी रूबरू में कराऊंगा तो आइएगा अगल, अगला अगला टॉपिक और हम लोग पढ़ लेते हैं कैसी लग रही क्लास एक बार कमेंट्स हम लोग कर दें और जो बाकी टॉपिक हैं जैसे कि अभी कैलेंडर हम लोगों ने पढ़ा ब्लड लेसन पढ़ा सॉरी डायरेक्शन पढ़ा है एक आध टॉपिक और निकाल लेंगे तो फिर कहानी थोड़ी आपकी सेट हो जाएगी मज़ा आया नहीं बताओ Yes. Okay. तो आरओ के लिए एक बार बताएं सब लोग जितने लोग दे रहे हैं यूपी भी दे रहे हैं तो उनके लिए मेरी चेष्टा यह है कि कल एक टेस्ट रख दिया जाए जिसमें हिंदी और आ, हिंदी का और जीके का दोनों का टेस्ट हो जाए जहां पर 200 प्रश्नों का एक साथ हम लोग टेस्ट करें एक मैराथन के रूप में और वन टू वन करके चीजों को हम लोग आपके सामने निकालने का प्रयास करें ठीक है राइट चलिए तो अब बात करते हैं ब्रेड लेसन की और फिर क्वेश्चनों पे को भी कर लेंगे बड़ी के। के ये दो ही तरह के प्रश्न इसमें होते हैं दो ही तरह के प्रश्न आपसे पूछता प्रश्न तीन प्रकार के बन जाते हैं A, B, C. A, प्रकार के प्रश्न डायरेक्टली होते हैं बी प्रेबल प्रश्न जो होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं और सी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो सिंबल नुमा होते हैं सिंबल फॉर्मेट में होते हैं बोलेंगे सर ये कैसे जैसे डायरेक्ट का मतलब ये रहा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि ए परिवार में ए बी का पति है और सी जो है ए की पुत्र है डी जो है बी की पुत्री है एफ जो है जी की पुत्री है सी जो है, है।, है एफ का पिता है इस प्रकार की बातों को हम

क्वेश्चन में लेके आया हूं जिससे कि आप इसको सिर्फ बन टू वन करके समझने का प्रयास करें मैं एक प्रश्न इसका दूंगा एक प्रश्न इसका दूंगा एक इसका दूंगा जिससे कि कि तीनों प्रश्न समझ समझ के आप समझ जाना कि हाँ, इनको इसी तरीके से करते हैं आइएगा पहले प्रकार के प्रश्न में हम चलने का प्रयास करते हैं आप बताना कि इसका आंसर क्या क्या निकल के आ रहा है यानी पहला प्रश्न एक ही प्रश्न काफी समझने के लिए क्या होगा किसी परिवार में ए बी का पति है किसी परिवार में ए बी का पति है यानी ए पति है बी का कंफर्मेशन है ए मेल है बी फीमेल है सी ए का सी ए का जो है यहां पर पुत्र है पुत्र है और डी बी की पुत्री है वो खूब घुमाएगा इस तरीके से तीन लेटर देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है चार वर्ड देखा भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी आधार पर देखा जाए तो वो किसी भी तरीके से आपसे वो प्रश्न पूछने का प्रयास कर लेता है आगे बोलेगा एफ जी की पुत्री है एफ जी की पुत्री है तो यहाँ एफ जी तक ए बी सी डी ई एफ ई और आ जाएगा तो यहां पर लिखेगा यहां पर सी एफ का पिता है देखेगा सी एफ का एफ का पिता है इस तरीके से वो क्वेश्चन को डिजाइन करेगा और लास्ट में पूछ लेगा जी, जी तथा बी का क्या संबंध है तो पूछ लेगा जी एवं बी का क्या संबंध है तो ऐसे प्रश्नों को हमें कुछ नहीं करना है ये जो पीढ़ियां होती हैं आप अगर यहां पर हैं एक पीढ़ी वाली ऊपर वाली पीढ़ी होगी एक उससे ऊपर वाली होगी एक नीचे वाली होगी इससे नीचे वाली होगी सामान्यतः कह सकते हैं चार से पाँच पीढ़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप यहाँ पर हैं यहाँ पर तो आपके चाचा के बच्चे आपके ताऊ के बच्चे मामा के बच्चे नान और पर बाकी बच्चे जितने भी हैं ताऊ के चाचा सब के सबके बच्चे यहाँ जाएंगे आपके पिताजी यहाँ हैं तो आपके ताऊ जी, जी चाचा जी सब यहाँ जाएंगे दादा यहाँ तो इस प्रकार के बाकी सब यहाँ यहाँ नीचे आपके बच्चे के अलावा बाकी बच्चे भी यहाँ तो ये ग्रुप है इस ग्रुप को मुझे लगता है कि आप आराम से जानते हैं कि यहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं

एफ का पिता है तो यानी कंफर्मेशन ये हो चुका है कि सी जो है एफ का पिता है तो सी जो है ये एफ का पिता है तो सी जो है एफ का, तो का पिता है अब क्या कह रहा है इस पॉइंट को अगर हम वहां खोलें तो आप ये कह सकते हैं कि एफ जो है जी की पुत्री है तो इस एफ जो है जी की पुत्री है तो आप कन्फर्मेशन कह सकते हैं कि एफ जो अगर जी की पुत्री है एफ जो है जी की पुत्री है तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिया बीबी हैं पति पत्नी है अब ये कह रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है तो आप आराम से कह सकते हैं जी का बी से क्या संबंध है तो ये क्या इसकी पुत्र है ऐसे प्रश्नों को हम इजी फॉर्मेट में आराम से टैकल करने की भूमिका में रहते हैं कमेंट करके बताएं ठीक लग रहा है क्लास तो आज की सभा को हम यहीं पे रहने देंगे क्योंकि अभी आज हमारी मैराथन भी होनी है करंट अफेयर के सेशन को लेते हुए उसमें सभी लोग आइएगा क्योंकि तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं जो लेक्चर हम अभी कर रहे थे राइट? तो जो लेक्चर हम लोग कर रहे थे तो उस लेक्चर का थर्ड पार्ट आज हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों को आप आराम से टैकल कर सकते हो जैसा कि प्रश्न में देने की भूमिका में रहा भी है राइट हो जाएंगे ये नहीं होंगे बताओ कमेंट करके बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में लगातार वो आपसे घुमा घुमा के पूछने का प्रयास करता है आरो में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं देखिएगा तो आज की चर्चा यही ऑन ऑफ की जाए क्योंकि तो अभी नौ बजे हम बैक टू बैक करके क्लास ले रहे हैं और वहां पर बहुत अच्छे से लगभग डेढ़ से दो घंटे क्लास लूंगा आज मैं नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे के बीच में इसलिए सारे काम निपटा के खा पी के मस्ती से सब क्लास लेने आइएगा और ये मैराथन क्लास है इसमें बहुत करंट अफेयर इसलिए मैं इसको कम कर रहा हूँ ना इसको हम एक घंटा और अभी पढ़ते लेकिन जो आई दृष्टि का थर्ड पार्ट है इसकी नीड इसलिए पता है क्योंकि आर में यू में इससे काफी अच्छे प्रश्न बनने वाले हैं इसलिए इसको भी टैकल करने का हम लोग आज प्रयास करेंगे तो सभी लोग तब तक, तक आइएगा दूसरी बात जो बच्चों को लगता है कि मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सभी जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन पर सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट एक माह सेल के रूप में आ चुका है सिर्फ ये दो से तीन दिन रहेगा अगर आपको कोई सा भी बैच लेना है पी का यू का मेंटरशिप का वो आराम से ले सकते हैं कोई कमेंट अगर किसी को है तो एक बार कमेंट करिएगा हम उनसे बात करते हैं बताओ कोई डाउट किसी को अब बताओ कोई सवाल जवाब है आपके तो अब कर सकते हैं बताइएगा हाँ जी कहाँ चले गए हैं सब लोग जो बातें कर रहे थे बीच में तो कल करें बताओ सब तैयार हैं अगर आप सब रेडी हैं एक दूसरे के तक लोगों तक तो पहुँचाइएगा कि कल एक टेस्ट हो रहा है इस टेस्ट में ऐसा कर लेते हैं कि हिंदी के भी साठ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीएस के भी वन फोर्टी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दो सौ के दो सौ क्वेश्चन एक दिन में करने की भूमिका में अगर आप हैं तो एक बार कमेंट करिएगा कल हम उसका टाइम सेट करके आपको बता देंगे जिससे ढाई से तीन घंटे में एक पूरा फॉर्मेशन कर लेंगे कि आपका लेवल अभी कहाँ पर है तैयार हैं कल रेडी हैं ये जरूरी भी है ना करंट अफेयर के लिए जो मैं दे रहा हूं इसको इनफ समझे इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा तो क्या ये अच्छा रहेगा ना सब रहेंगे ममता उसमें वन फोर्टी क्वेश्चन में वन फोर्टी क्वेश्चन रहेंगे उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे नहीं वन फोर्टी क्वेश्चन बिल्कुल टारगेट सेट होगा कि आप अपने आप को चेक कर लो कि कितना लेवल है ठीक है तो आप सब लोग आते हैं अभी कितने बजे नौ बजे सबके साथ बैकबोन पे आते हैं और नौ बजे से लेकर हम लोग बहुत दबा के करंट अफेयर का जो सेगमेंट है उसमें एमसीक्यूज उस भी देखने को मिलेंगे उसमें टॉपिक भी देखने को मिलेंगे उसमें जो आ, ये मैगजीन है उसमें सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलने का प्रयास करेंगे ठीक है चलो ठीक है आते हैं अभी सब लोग प्यार मोहब्बत से जिसको ज्वाइन कर सकते हैं कर सकते हैं डिस्काउंट चल रहा है ठीक है बाय बाय टेक केयर